हाँ जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयनो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ये चटपटे सूखे मसाले वाले काले चने। बेहद ही आसान रेसिपी है। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। हम लेंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर, कुछ जिंजर बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर एक चम्मच, एक मध्यम अनियन को हमने पीस लिया है मिक्सी में, नमक स्वाद अनुसार, जीरा लेंगे आधा चम्मच, काले चने 150 ग्राम उबले हुए लेंगे, साथ ही साथ में लेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर आपको प्रॉपर विधि जाननी है काले चनों को कैसे उबालना है, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी काले चना की रेसिपी, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। ज़रूर वो रेसिपी चेक करिएगा और उबालने का तरीका देखिएगा। आइए बढ़ते हैं तड़के की तरफ। हमने एक कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने तेल और जीरा साथ ही साथ में प्याज डाल के अच्छे से भूनना है इसके चटकने तक। साथ ही साथ में अच्छे से इसको हम भूनते रहेंगे। जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, बिकॉज हमने यहाँ पेस्ट लिया है, पेस्ट लेने का मकसद क्या है, क्योंकि वो जो काले चने ना उसके ऊपर अच्छे से कवर कर लेगा तो वो टेस्टी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चों को हमने ज़्यादा महत्व दिया है रैदर देन रेड मिर्चें, बिकॉज लाल मिर्च कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, तो कम ही इस्तेमाल किया करें आप खाने में भी अपने। अब हमने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर भी जितना हम बता रहे हैं आप उतना ही डालिए, क्योंकि काले चनों बहुत ही स्वाद लगते हैं चटपटे सूखे, चाहे आप इसको पूड़ी के साथ खाइए, हलवे के साथ में खाइए, बेहद ही अच्छी रेसिपी होती है ये। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा बीच में हमने पानी ऐड कर दिया। पानी भी कौन सा किया, जो काले चने आपके उबले होते हैं वही थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया, हल्का सा ग्रेवी टाइप इसको फॉर्मेशन देने के लिए। अदरक आप देख सकते हैं हमने बारीक लंबा लंबा काट लिया था, हमने अदरक भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम पूरे मसाले को अच्छे से भूनेंगे। भूनना तब तक है, आपको पता है दोस्तों, जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला आपका। बेहद लजीज और टेस्टी सिंपल मसालों से ये मसाला हमने बनाया है, लेकिन सिंपलिसिटी में भी इतना स्वाद होता है ना, ट्राई कीजिएगा रेसिपी, आपको खुद समझ में आएगा। और हमने उबले हुए चने इसके अंदर डाल दिए हैं। उबले हुए चनों को, मतलब चनों को जो उबालना है ना, एक कला होती है। प्रॉपर तरीके से जो मैंने रेसिपी आपको बताई थी आई बटन में, मैंने लिंक ऑलरेडी करी हुई थी, उसको ज़रूर चेक करिएगा। वैसे ही उबालिएगा चने, बेहद ही बढ़िया आपके चने उबलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको इसको थोड़ी देर पकाना है सो दैट जो मसाला है वो भी अच्छे से जो चने हैं उसके ऊपर कवर कर ले, और साथ ही साथ में जो हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला था उसको ग्रेवी का फॉर्मेशन देने के लिए, वो भी सूख जाए, ताकि पूरी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। आप देख सकते हैं बेहद अच्छे से आपका जो चने हैं वो भुन रहे हैं, मसाला जो है चनों के अंदर जा रहा है। इसी तरीके से आप इसको मध्यम आंच के ऊपर बार बार आप हिलाते रहेंगे, ये आपको प्रोसेस करते रहना है। बेहद लजीज और चटपटी सी जो आपकी रेसिपी है ये रेडी हो रही है। हम देख सकते हैं बिल्कुल भी बढ़िया, कहीं से भी आप चना देखें नहीं फूट रहा है, एकदम बढ़िया, क्योंकि उबला भी अच्छा है और सारी चीज़ें इसमें बेहतरीन है। नमक हमने एंड स्टेज पे डाला है और साथ ही साथ में धनिया पाउडर। इससे नमक से ऑब्वियसली बात है स्वाद अनुसार टेस्ट, और धनिया पाउडर से भी जो एक अरोमा है बहुत अच्छा खुशबू आने लगती है आपके चनों के अंदर, और ज़्यादा मसालेदार हो जाते हैं चने और बेहद अच्छे लग रहे हैं आपके चने। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आप हिलाते रहेंगे जब तक ये जो मसाले हैं अपना तेल ना छोड़ दें, और अच्छी तरीके से जो चने हैं प्रॉपर तरीके से मसालों के अंदर इंग्रेव ना हो जाएं। बेहद ही आसान सी दोस्तों रेसिपी है, इसको आप ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं। चनों को आप रात में भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग में आप ये रेसिपी बनाइए, पूड़ियों के साथ खाइए, पराठों के साथ में खाइए, ब्रेड के साथ में खाइए, किसी की भी चीज़ के साथ में खाइए, बहुत ही बेहतरीन जाती है। देखिए हमारे जो चने हैं बेहद आसान तरीके से रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से इसको तड़का लगा के देखिएगा, बेहद आसान रेसिपी है, बहुत ही अच्छे बनते हैं, ट्राई कीजिएगा घर पर और ज़रूर बताइएगा कैसे बने। साथ ही साथ हमने इसको हरी मिर्चों के साथ में सर्व कर देना है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो। इसी तरीके से आपकी जो टिपिकल रेसिपीज़ हम उसको आसान बनाते रहेंगे, बस आप हमको मोटिवेट करते रहिए चैनल को शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए, हमारी वीडियोज़ देखने।